मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस लोन को अप्लाई करने का पूरा तरीका बता देता हूँ। अगर आपको सच में लोन लेने की आवश्यकता है तो दोस्तों इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, वरना आप लोन के लिए सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको सर्च करना है जन समर्थ, मतलब कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जन समर्थ ऐप है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। और दोस्तों जो जन समर्थ का पोर्टल होता है वहाँ से लोन को अप्लाई करने में काफी सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप इस जन समर्थ एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से लोन को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्ले स्टोर में जन समर्थ पर क्लिक करके आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली आपको इस ऐप को ओपन करना होगा और इसके बाद में आपके सामने जन समर्थ का कुछ इस प्रकार से जो है एक इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने एक कंसेंट आएगा जिसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी पोर्टल आपसे लोन देने के लिए पैसों की डिमांड करता है तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें या फिर ऐसे लोन के लिए अप्लाई ना करें, ये यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों इसके बाद में आप यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं या फिर सिंपली इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है तरह तरह के लोन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर एजुकेशन लोन है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि अगर आप खेती करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटी लोन, मतलब कि अगर आप कोई भी काम धंधा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर पहले से शुरू किए हुए बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन को अप्लाई करके भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 6 स्कीम्स के तहत एक साथ लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हमें सिंपली यहाँ पर जो चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा, आप जिस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं आप वो टाइप यहाँ पर जो है चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, इसे चूज कर लेना होगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आपके सामने कुछ और यहाँ पर जो है ऑप्शन खुलकर ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी, मतलब कि आप SC ST OBC जनरल या फिर कौन से कास्ट या फिर कौन से वर्ग में आते हैं वो आपको चूज कर लेना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ओबीसी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर जो है जो आपको अपना जेंडर चूज करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप मेल है या फिर फीमेल है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज योर रिक्वायर्ड लोन, मतलब कि आपको कितने लोन की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली जो है 10,000 रुपए टाइप कर देता हूँ। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से आपको जितना भी लोन चाहिए वो राशि आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से जो है एक नेक्स्ट पेज या फिर एक मैसेज खुलकर ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 1 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब कि आप यहाँ पर लोन के लिए जो है एलिजिबल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा लोन है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स जो है आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत आपको लोन यहाँ पर दिया जा रहा है और आपकी जो लोन की राशि है ये यहाँ पर 10,000 रुपए है। और साथ ही में मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको यहाँ पर सब्सिडी भी मिलेगी, मतलब कि आपके लोन में छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 390 रुपए की इस लोन के तहत छूट भी मिलेगी। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर 950 रुपए की जो किस्त है वो यहाँ पर EMI है वो देनी होगी। और साथ ही में जो यहाँ पर आपके मंथली EMI या फिर जो मंथली इंटरेस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर 24% है। अगर आप इसे सालाना देखेंगे तो दोस्तों ये लगभग 2% के आसपास होता है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पर टेन्योर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर टेन्योर मैक्सिमम 1 साल का है, मतलब कि आपको 1 साल के भीतर भीतर इस लोन को वापस गवर्नमेंट को चुकाना होगा। इसके अलावा भी दोस्तों इस लोन में आपको एक और बहुत ही बड़ा फायदा मिल जाता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड टू स्ट्रीट वेंडर्स फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन अप टू 1200 रुपए, मतलब कि आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से 1200 रुपए की और छूट मिलती है अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो। मतलब कि दोस्तों 1200 और 400 रुपए का ये जो ऊपर वाला आपको सब्सिडी मिलती है कुल मिलाकर आपको यहाँ पर मोटा मोटी 1600 रुपए का इस लोन के तहत फायदा हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना
देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है एक इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, साथ ही में ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है, इसके बाद में गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से जो है एक पॉपअप पेज खुलकर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको इस लॉन की पूरी डिटेल या फिर जो शर्तें हैं वो यहाँ पर दी गई है। आप इन्हें जो है रीड भी कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके भी आप इसे छोड़ सकते हैं। जब आप इसे पूरा नीचे ले आएंगे तो फिर ये नेक्स्ट का ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे नेक्स्ट कर देना है। फिर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, इसे भी जो है आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर देना है। और सबसे लास्ट में जो डिस्क्लेमर है ये भी आपके सामने आ जाएगा, इसे भी पूरा रीड करने के बाद में यहाँ पर टिक करके एग्री कर देना है। इतना करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर अब जो है गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे ही अपना ओटीपी यहाँ पर डालेंगे तो आप देख सकते हैं ओटीपी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का नीचे मैसेज आ चुका है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है अपना एक ईमेल एड्रेस देना होगा और फिर आपको वेरीफाई ईमेल या ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप अपने ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे ईमेल ओटीपी को, तो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से जो है कांग्रेचुलेशंस वी हैव फाउंड वन स्कीम फॉर यू और इसके नीचे फिर से उसी जो है स्कीम की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर सिंपली प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद में रिव्यू दिया गया, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 स्ट्रीट वेंडर, साथ ही में कैटेगरी में ओबीसी है। इन सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने यहाँ पर पीएम स्वनिधि की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्कीम के तहत अब तक लगभग 70 से 71 लाख लोगों को जो है यहाँ पर लोन मिल चुका है और यहाँ पर लगभग 55 लाख लोगों के बैंक खाते में लोन की राशि भेज दी जा चुकी है और साथ ही में लगभग 6,84,445 लोगों ने इस लोन को वापस बैंक को जमा भी करा दिया है, मतलब कि रीपे भी कर दिया है। और सेकंड टर्म के लोन में आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 15 लाख लोगों को इसके तहत लोन मिला है। और दोस्तों सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का मतलब ये है कि इस स्कीम के तहत आप लोगों को 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10,000 का लोन दिया जाता है, फिर 20,000 का और तीसरा आपको 50,000 का यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो दोस्तों इस पेज के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अप्लाई LOR कम लोन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके जो है आगे बढ़ जाना है या फिर आगे के स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपसे फिर से यहाँ पर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करने को बोला जा रहा है और इसके बाद में आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा, फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद में आपका जो पेज है वो इस